हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास इलेवेंथ बायोलॉजी में एक और नया चैप्टर और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का ये पहला लेक्चर है तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वेरियस एक्सटर्नल फीचर्स मॉर्फोलॉजी यानी कि इसमें करते क्या है तो स्टडी की जाती है बहुत सारे एक्सटर्नल फीचर्स की किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी करते हैं जैसे कि हो गया उनके साइज़ के बारे में कलर के बारे में स्ट्रक्चर कैसा है या उनके वेरियस जो पार्ट्स हैं उनके रिलेटिव पोजीशन क्या है इन सब चीज़ों की स्टडी की जाती है मॉर्फोलॉजी में मॉर्फोलॉजी इंपॉर्टेंट है और इसका इम्पॉर्टेंस क्या है ये देख लेते हैं तो इसका इम्पॉर्टेंस ये है कि सबसे पहले तो ये हेल्प करता है क्लासीफिकेशन करने में मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे भी क्लासीफिकेशन किया जाता है तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये दूसरा ये हो गया कि किसी भी प्लांट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है अगर हमें मॉर्फोलॉजी के मॉर्फोलॉजिकल uh, कैरेक्टर्स पता हैं किसी प्लांट्स के तो उनको आइडेंटिफाई आराम से किया जा सकता है तीसरा ये है कि ये क्या करता है कि इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रेंज ऑफ वेरिएशन फाउंड इन स्पीसीज अब किसी भी स्पीसीज में किस रेंज तक क्या वेरिएशन मिल रहा है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाता है तो ये इसका इंपॉर्टेंस हो गया तो मॉर्फोलॉजी इंपॉर्टेंट है अब हम देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स क्या क्या है इस चैप्टर में पूरा हमें प्लांट के बारे में ही पढ़ना है उनके क्या क्या पार्ट्स हैं उनके मॉर्फोलॉजिकल पार्ट्स क्या क्या है उनके बारे में देखना है तो अब हम देखेंगे कि फ्लावरिंग प्ला प्लांट्स के पार्ट्स क्या क्या हैं तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें रूट स्टेम लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट्स तो रहता ही है अब जो अंडर अंडरग्राउंड पार्ट है फ्लावरिंग प्लांट का जो जमीन के अंदर का पार्ट है उसे कहा जाता है रूट सिस्टम और जो जमीन के ऊपर का मिट्टी के ऊपर का जो पार्ट है उसे कहा जाएगा शूट सिस्टम मैं एक डायग्राम दिखाऊंगी उस डायग्राम में आपको पता चल जाएगा रूट सिस्टम क्या है और शूट सिस्टम क्या है तो देखते हैं कि आगे और क्या क्या इस चैप्टर में है तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो पोर्शन है अब द ग्राउंड इज कॉल्ड एरियल पार्ट और एक चीज़ यहाँ पे और याद रखना है कि जो ग्राउंड के ऊपर का पार्ट रहता है पोर्शन रहता है प्लांट में उसे एरियल पार्ट भी कहा जाता है और उस एरियल पार्ट में क्या क्या आएगा स्टेम आएगा लीफ आएगा फ्रूट और फ्लावर्स आएंगे और जो पोर्शन अंडरग्राउंड रहता है उसमें क्या आएगा रूट रहेगा तो इस तरीके से यहाँ पे हमें दो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है प्लांट को और एक तरीके से और यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं कि वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट तो प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या क्या है ये भी देख लेते हैं तो ये दोनों चीजें आपको याद रखना है कि किस किस तरीके से हमने प्लांट को डिवाइड किया सबसे पहला तो एरियल पार्ट और जो अंडरग्राउंड पोर्शन था वो और दूसरा यहाँ पे आता है वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट तो वेजिटेटिव पार्ट में आएगा रूट स्टेम एंड लीफ और रिप्रोडक्टिव पार्ट में आएगा आपका फ्लावर फ्रूट एंड सीड्स अब हम देखेंगे यहाँ पे प्लांट का डायग्राम और इस डायग्राम में देखते हैं क्या क्या है प्लांट के पार्ट्स तो डायग्राम में सबसे पहले दिख है यहाँ आपके कि फ्लावर है फ्रूट है स्टेम हो गया लीफ हो गया और नीचे में यहाँ पे बर्ड है दूसरी तरफ यहाँ पे नोड और इंटर नोड है अब ये जो पोर्शन है ये क्या है कि सॉइल के ऊपर का है तो ये आपका हो गया सूट सिस्टम जो कि ज़मीन के ऊपर का पार्ट रहता है और नेक्स्ट हम नीचे की तरफ़ देखें तो यहाँ पे दिख रहा है हमें रूट सिस्टम जो कि ज़मीन के अंदर का है और इसमें यह है प्राइमरी रूट और प्राइमरी रूट से ही सेकेंडरी रूट निकलता है तो इस तरीके से ये प्लांट का डायग्राम हो गया इसमें क्या क्या पार्ट है आपको समझ में आ गया होगा अब हम देखेंगे कि प्लांट के पार्ट का सबसे पहला क्या है रूट रूट के बारे में डिस्कस करेंगे चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रूट के बारे में रूट क्या है रूट इज़ द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट ये तो हमने पहले भी समझ लिया कि रूट जो अंडरग्राउंड पार्ट है वही है प्लांट का और यहाँ पे याद रखना है कि जो डाई कॉटेल होते हैं उसमें क्या होता है एलोंगेशन ऑफ़ द रेडियल रेडिकल फॉर्म्स प्राइमरी रूट अब जो यहाँ पे रेडिकल का एलोंगेशन हो रहा है जो रेडिकल बढ़ के क्या करता है प्राइमरी रूट बनाता है और ये प्राइमरी रूट सॉयल के अंदर ग्रो करता है तो याद रखना है कि प्राइमरी रूट कहाँ से निकल रहा है तो रेडिकल से नेक्स्ट हमें यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है कि जो प्राइमरी रूट है प्राइमरी रूट्स में बहुत सारे लेटरल रूट्स रहते हैं जिन्हें कि सेकेंडरी रूट कहा जाएगा और फिर टर्सरी रूट उसके बाद जो प्राइमरी रूट है और उसके जो ब्रांचेज हैं प्राइमरी रूट से जो सेकेंडरी रूट और टर्सरी रूट निकले हैं यही उनके ब्रांचेज़ हैं ये सब मिल कर के बनाते हैं टैप रूट सिस्टम तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा डायग्राम दिखाया है मैंने ये आपका प्राइमरी रूट हो गया उस प्राइमरी रूट से बहुत सारे यहाँ पे हमको हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ब्रांचेज दिख रहे हैं इसकी जो बनाते हैं सबसे पहले तो सेकेंडरी रूट फिर वहाँ से टर्सरी रूट तो ये सब मिल करके बनाते हैं टैप रूट सिस्टम और ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि किस किस प्लांट्स में देखने को मिलता है तो मस्टर्ड हो गया उसके बाद ग्राम हो गया तो इन सब प्लांट्स में देखने को मिलता है उसके बाद जो मोनेकोटोलेडन प्लांट्स हैं यहाँ पे तो डाकोटोलोडन की बात की हमने मोनाकोटोलिडन में क्या होता है कि आ, प्राइमरी रूट इज़ शॉर्ट लिव मतलब प्राइमरी रूट बहुत टाइम के लिए नहीं रहता उनमें वो रिप्लेस हो जाता है लार्ज नंबर ऑफ रूट्स से और ये जो लार्ज नंबर ऑफ रूट्स है ये ओरिजिनेट करते हैं स्टेम के बेस से और फिर एक क्या बनाते हैं मतलब फाइबर लाइक स्ट्रक्चर मीन्स बहुत सारे फाइबर फाइबर लाइक रूट्स बन जाते हैं उसमें और उसे कहते हैं फाइबरस रूट सिस्टम इसका भी एक छोटा सा डायग्राम है यहाँ पे मान लेते हैं वीट का प्लांट है और वीट के स्टेम के बेस से ही बहुत सारे फाइबर लाइक रूट्स निकल गए हैं और ये क्या बनाएंगे फाइब्रस रूट सिस्टम तो इसका एग्जाम्पल हो गया आपका व्हीट प्लांट राइस प्लांट और भी जो आपको याद रहेगा एग्जाम में लिख सकते हैं एग्जाम्पल्स तीसरा चीज़ ये यहाँ पर याद रखना है कि कुछ रूट्स ऐसे होते हैं जो कि रेडिकल से नहीं ग्रो करते हैं उसके अलावा किसी और पार्ट से ग्रो करते हैं तो वैसे रूट्स को कहा जाता है एडवेंटिशस रूट कि चीज़ तीनों चीज़ें आपको याद रखना है और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ग्रास बेन ट्री मेज़ बेन ट्री में आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे लटकड़े होते हैं उनके ब्रांचेस से रूट तो वो रूट्स क्या करते हैं कि रेडिकल से ग्रो नहीं किए हैं तो उनको कहेंगे एडवेंटिशस रूट तो यहाँ पे हमने क्या क्या रूट सिस्टम में देख लिया कि सबसे पहले आपका टैप रूट सिस्टम है फिर है फाइब्रस रूट सिस्टम और तीसरा आपका एडवेंटिशस रूट अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ रूट की तो रूट का फंक्शन तो बहुत ही सिंपल है हर किसी को पता होता है तो सबसे पहला फंक्शन ये है कि एब्जॉर्प्शन करता है वाटर और मिनरल्स का सॉयल से सॉइल से वाटर और मिनरल्स लेके प्लांट के बाकी पार्ट तक तो पहुंचाता है तो दूसरा ये हो जाएगा आपका कि ये प्रोवाइड करता है एक एंकरेज प्रोवाइड करता है प्लांट के पार्ट्स को एक प्रॉपर एंकरेज जिससे कि प्लांट अच्छी तरीके से खड़ा हो सके स्टैंड हो सके और ग्रो कर सके तीसरा है कि ये कुछ जो रिजर्व फूड मटेरियल्स हैं उनको स्टोर करके कर रखता है अपने अंदर तो ये भी इसका फंक्शन याद रखना है कि रूट के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल्स रहते हैं तीसरा लास्ट ये चीज़ है कि हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या हार्मोन्स बोल सकते हैं उनका भी सिंथेसिस रूट के अंदर होता है तो ये फंक्शंस आपको याद रखना है इसके बाद हम देखेंगे कि बेसिक फीचर्स क्या क्या है रूट के बहुत ही सिंपल है ये भी बेसिक फीचर्स आपको याद रखना है कि रूट्स डेवलप फ्रॉम रेडिकल रूट तो रेडिकल से डेवलप करता है दूसरा ये है कि रूट के अंदर ना तो नोड होते हैं ना ही इंटरनोड होते हैं नेक्स्ट चीज आपको याद रखना है कि जो रूट्स हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है तो वो भी नहीं रहेगा तो ये क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इनके अंदर एबसेंट होता है और इसीलिए ये नॉन ग्रीन होते हैं लास्ट पॉइंट ये याद रखना आपको फीचर में या कैरेक्टरिस्टिक में कि रूट्स क्या होते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होते हैं पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक होते हैं लेकिन नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होते हैं यानी कि ज़मीन के अंदर ग्रो कर रहे हैं तो पॉजिटिव फोटो जियोट्रॉपिक हो गए ये और ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिक है यानी कि सनलाइट की तरफ ग्रो नहीं होता है ये अब हमें यहाँ पे याद रखना है कि नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है ये कि रीज़न ऑफ रूट्स क्या क्या है किसी भी रूट्स में क्या क्या रीज़न देखने को मिलता है तो तीन रीजनस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है यहाँ पे एक डायग्राम भी है जिससे आपको ईजीली समझ में आ जाएगा सबसे पहले आता है आपका रीजन ऑफ मेरिस्टमैटिक दूसरा है रीजन ऑफ एलोंगेशन एंड लास्ट है रीज़न ऑफ मैचुरेशन तो नीचे से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे नीचे की तरफ दिख रहा है हमको एक रूट कैप इसके बाद हमें दिख रहा है रीजन ऑफ मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी यह है रीजन ऑफ एलोंगेशन और यहाँ पे है रीजन ऑफ मैचूरेशन रीजन ऑफ मैच्येशन में बहुत सारे हमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि है रूट हेयर एक एक करके सारे रीजनस को डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले रीजन ऑफ हम देखेंगे मेरिस्टमेटिक के बारे में तो इस रीज़न में क्या होता है कि रूट क्या होता है कि अपने एपिक्स पे एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड रहता है जिसे कहा जाता है रूट कैप ये जो रूट कैप हमें यहाँ पर दिख रहा है इसका स्ट्रक्चर जैसा है उसे कहा जाता है थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर और इसे कहेंगे रूट कैप ये रूट कैप क्या करता है प्रोटेक्ट करता है टेंडर एपिकल पार्ट को और अब जिससे कि ये प्रोटेक्शन मिल सके उस रूट को रूट के पोर्शन को और वो इजीली सॉइल के अंदर जाके अपना रास्ता बनाए और ग्रो कर सके तो ये तो यहाँ पे फंक्शन हो गया रूट कैप का अब हम देखेंगे कि इस रीज़न में होता क्या है एक्चुअली तो जो मैरिस्टमेटिक रीजन है इसमें क्या होता है कि अब यहाँ पे याद रखना कि रूट कैप के जस्ट मिलीमीटर अबव ही होता है मैरिस्टमेटिक एक्टिविटी मीन्स रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी और इसमें जो सेल्स होते हैं ना इस रीजन में बहुत ही स्मॉल होंगे थिन वॉल्ड होंगे और डेंस प्रोटोप्लाज्म होते हैं <coughs> दे डिवाइड रिपीटेडली बार बार ये क्या करते हैं डिवाइड करते हैं नेक्स्ट हम देखेंगे कि रीज़न ऑफ एलोंगेशन क्या है तो रीजन ऑफ एलोंगेशन जस्ट अबव होता है रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी के और इस रीज़न में क्या होता है सेल अंडरगो रैपिड एलोंगेशन रैपिडली एलोंगेशन मीन्स रैपिडली वो बढ़ते रहते हैं इन होते रहते हैं जिससे कि रूट का ग्रोथ हो सके और रूट का लेंथ बड़ा हो सके तो ये रीजन ही रिस्पॉन्सिबल होता है रूट के ग्रोथ में जो लेंथ में ग्रोथ हो रहा है ना उसके लिए ये रीज़न ही रिस्पॉन्सिबल है मीन्स इस रीजन की वजह से ही रूट का जो लेंथ बढ़ता है वो बढ़ता रहता है तो ये चीज़ हो गया दूसरा अब हम देखेंगे कि जो तीसरा रीज़न था रीजन ऑफ मैच्येशन इसमें क्या हो रहा है तो रीजन ऑफ मैचूरेशन जस्ट अबव होता है रीजन ऑफ एलोंगेशन के ऊपर ही रहता है ये और इस रीजन में क्या होता है कि सम, कुछ जो इसके एपिडर्मल सेल्स हैं ना वो बहुत ही फाइन और डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे कि रूट हेयर कहा जाता है जैसे कि हमने डायग्राम में देखा था कि रीजन ऑफ मैचुरेशन में हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे थे जो कि रूट हेयर है और ये रीजन में जो रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं यही रूट हेयर्स क्या करते हैं कि वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्व करते हैं सॉयल के अंदर से तो ये तीनों रीजन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि तीनों रीजन में क्या क्या चीजें हो रही हैं। आपको डायग्राम भी याद रखना है लास्ट में हम बात करेंगे कि मॉडिफिकेशन ऑफ रूट क्या है रूट अलग अलग तरीके से मॉडिफाइ भी रहते हैं रूट का मॉडिफिकेशन भी हुआ रहता है रूट का मॉडिफिकेशन क्यों हुआ होता है तो कभी कभी सपोर्ट करने के लिए होता है कभी स्टोरेज ऑफ फ़ूड के लिए होता है कभी रेस्पिरेशन में हेल्प करने के लिए और कभी नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए तो इन सारी चीज़ों की करने के लिए रूट का रूट uh, क्या होता है मॉडिफाइड होते हैं तो एक करके हम देखेंगे कि किस तरीके से फ़ूड स्टोर रहता है एग्जाम्पल क्या क्या है बात करते हैं फॉर स्टोरेज ऑफ फूड की तो जो टैप रूट है कैरेट का टर्निप का ये एडवेंटेज रूट्स है स्वीट पोटैटो के वो क्या होते हैं स्वेलिन होते हैं और इनमें फ़ूड स्टोर रहता है अपने अंदर फूड को स्टोर कर लेते हैं तो हमने देखा ही है कि कैरेट किस तरीके का होता है टर्निप कैसा है स्वीट पोटैटो कैसा होता है तो ये सारे के सारे क्या है स्वेलिन होते हैं मीन्स फूले हुए रहते हैं और इनमें फ़ूड स्टोर रहता है दूसरा हम बात करेंगे सपोर्ट की तो सपोर्ट की अगर बात की जाए तो जो हैंगिंग ब्रांचेज है ना बर्ने ट्री में उनको सपोर्ट करने के लिए बेन एंट्री को सपोर्ट करने के लिए होते हैं उन रूट्स को कहा जाता है प्रॉप रूट्स ये आपको याद रखना है कि प्रॉप रूट्स क्या है तो जो हैंगिंग स्ट्रक्चर होता है बेनी ट्री के अंदर वही होता है प्रॉप रूट ये हो गया पहला सपोर्ट करता है दूसरा ये है कि जो स्टेम होते हैं मेज़ के या शुगर केन का क्या के होता है उसमें भी सपोर्टिंग रूट्स होते हैं जो कि स्टेम के लोअर नोट्स से बाहर आते हैं और ये भी सपोर्ट करते हैं उनके जो मेज़ का प्लांट है और जो सुकरगेन का प्लांट है उनको सपोर्ट करते हैं इन रूट्स को कहा जाता है स्टिल्ट रूट ये आपको याद रखना है प्रॉप रूट क्या है और स्टिल्ट रूट क्या है ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है और किस में मिलता है ये भी आपको याद रखना है लास्ट में दूसरा हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की तो कुछ प्लांट जैसे कि हो गया आपका राइजोफोरा ये स्वैम्पी एरियाज़ में ग्रो करते हैं इनमें बहुत सारे रूट्स क्या होते हैं ग्राउंड के ऊपर आ जाते हैं और वर्टिकली ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं ये वर्टिकली ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं इन रूट्स को कहा जाता है न्यूमेटो और ये हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में मीन्स ऑक्सीजन लेके आ, आ, रेस्पिरेशन करने में हेल्प करते हैं तो यहाँ पे रेस्पिरेशन की बात हुई लास्ट में हम बात करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन में किस तरीके से ये मॉडिफाइड रूट हेल्प करते हैं तो जो रूट नोड्यूल्स हैं लेगोमिनस प्लांट्स में लेगमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहता है जो कि नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने में हेल्प करता है तो यहाँ पे हमने देख लिया है कि जो मॉडिफाइड रूट है उनका अलग अलग क्या क्या काम है किस तरीके से वर्क कर रहे हैं तो इस तरीके से इस चैप्टर का जो रूट का पार्ट था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है रूट के बारे में हर चीज़ हमने डिस्कस कर लिया है जब नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें देखें कि स्टेम क्या है स्टेम का मॉडिफिकेशन किस किस तरीके से है तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा सारे पॉइंट्स ईजिल समझ में आ गए होंगे